हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो प्रवासी पंजीकरण स्टार्ट हो गए हैं ई पास के जरिए, ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है। जो भी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, जो चाहे वो स्टूडेंट हो, तीर्थयात्री हों, मजदूर हों, या जो जॉब डिफरेंट कंपनियों में जॉब वगैरह करते थे या जो कर रहे हैं, उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, तो उन लोगों को जो प्रवासी यानी कि माइग्रेंट रेजिडेंस या फिर प्रवासी नागरिक पंजीकरण स्टार्ट हो गए हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। तो आप लोग अपने मोबाइल वगैरह से कैसे कर सकते हैं उसकी सारी प्रोसेस मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप लोग गूगल सर्च पर जाएंगे, फिर आप लोग यहाँ पे जो सर्च बॉक्स दिख रहा है गूगल सर्च का, यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है कि आपको मतलब कि किस साइट पर जाना है। तो जैसे मैं आपको मध्य प्रदेश के लिए बताती हूँ कि अगर आपको मध्य प्रदेश के निवासी हैं आप, तो आप अगर किसी अन्य स्टेट में हैं या अन्य किसी राज्य में हैं, जैसे आप सपोज महाराष्ट्र में हैं, पुणे में हैं, तो आपको मध्य प्रदेश में आना है अपने किसी भी ज़िले में, तो आप लोग उसके लिए क्या करेंगे, या फिर आप लोग मध्य प्रदेश में हैं, अपने ज़िले में हैं, अपने घर आए हुए थे, अब आपको जहां आप जॉब वगैरह करते हैं वहां आपको जाना है दूसरे राज्य में या मध्य प्रदेश के ही दूसरे ज़िले में, तो आप लोग कैसे क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरी प्रोसेस। तो गूगल सर्च पर आप जैसे ही जाएंगे तो उस पर आप टाइप करेंगे मैपिट डॉट, यहाँ पे आप जैसे मध्य प्रदेश से आपको आना है या मध्य प्रदेश में जाना है, तो आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे मैपिट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, है ना। तो इस टाइप से आप टाइप करेंगे जैसे ही, तो आपको मैपिट की बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी, जैसे COVID-19 मैपिट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, इस टाइप से और भी रहेंगे। तो आप लोगों को सिंपली इस पर जो मैपिट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। आप इस पे देखेंगे कि ये जो पेज है, ये मैपिट की साइट, ये मैपिट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर खुल गई है, और इस पे लेटेस्ट अपडेट इस टाइप से आएगा कि जो भी खाद्य उपार्जन अंत्य आवश्यक सेवाओं हेतु जिनको रजिस्ट्रेशन अपना पास बनवाना है, एक जिले से दूसरे जिले में जाना है, एक शहर से दूसरे शहर में, एक जिले से किसी अन्य राज्य के जिले में जाना है, है ना। तो इस टाइप से जो भी है और पास जारी करने की प्रक्रिया वगैरह क्या है, ये सब इन्होंने बताई हुई है। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो राइट साइड में क्रॉस है यहाँ पे, इस पर ये इसे आप सिंपली, एक सेकंड, जो यहाँ पे क्रॉस है आप सिंपली इस पर, इस क्रॉस पर क्लिक करके इसको यहाँ से हटा देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा और आपके पास इस टाइप की एक विंडो ओपन हो जाएगी, है ना। एक स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई देगी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ई पास, और ई पास में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पंजीयन करना है, और आपको कॉल वगैरह करना है अपने ज़िले के जो मतलब कलेक्ट्रेट ऑफिस या जो भी विभाग इस डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, तो आप यहाँ पे ये राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ये क्लिक भी कर सकते हैं उस पर, है ना। और यहाँ से आप लोग जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो देख सकते हैं, और यहाँ पे और भी डिटेल आपको दी गई है COVID-19 से जुड़ी, और क्या क्या आप लोग सावधानी वगैरह रख सकते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या चाहिए, मोबाइल नंबर सबसे पहले चाहिए, यात्रा का विवरण, दिनांक, और ये सब जो आप वाहन ले जा रहे हैं वो जानकारी, अगर आप ई पास बनवा रहे हैं ना, ई पास मतलब अपने सपोज जिले से, एक जिले से दूसरे जिले जाना है, इस टाइप से आसपास जाना है, तो आपको बाइक वगैरह से जाना है या फोर व्हीलर से, एक दिन का काम है, तो आप ई पास के थ्रू बनवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ डाउनलोड ई पास पे फिर डाउनलोड कर सकते हैं, ई पास को प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रवासी नागरिक के लिए जो मैं बता रही थी कि माइग्रेंट रेजिडेंट जो हैं पंजीयन, उनके लिए जो बता रही थी उनका सामूहिक यात्रा वगैरह जिनको करनी है, तो उसके लिए जो पूरी डिटेल है वो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर द्वारा पंजीयन करना होगा, और यात्रा विवरण चुने कि आपको अन्य राज्य से मध्य प्रदेश आने हेतु आवेदन करना चाहते हैं अथवा मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं। अपने साथ आने वाले व्यक्तियों की जानकारी दर्ज करना होगा, और संबंधित अधिकारी कार्यालय द्वारा आपसे शीघ्र संपर्क किया जाएगा, ठीक है, इस टाइप से ये रहेगा। तो उसके बाद जैसे ही आप इस पर जाएंगे, फिर जो आपका सामूहिक यात्रा अगर आपको करनी है ट्रेन वगैरह से, आपको आना है गवर्नमेंट की व्हीकल्स वगैरह से, तो उसके लिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे माइग्रेंट रेजिडेंट वालों पे, तो ये इस टाइप की एक विंडो खुल जाएगी। तो ये जब आपके पास एक विंडो खुलेगी तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर रहेगा मोबाइल नंबर रजिस्टर करना रहेगा, और कैप्चर रहेगा यहाँ पर, तो वो आपको जो कैप्चर लिखा रहेगा वो एजेटेड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये जो विंडो है इस टाइप की, ये आपके सामने खुल जाएगी, और इसमें आपको यहाँ पे जो OTP आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर आएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो विंडो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे एक सेकंड, ये जो यहाँ पे विंडो है यहाँ पे ये देखिए ये इंटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप सिंपली अपना OTP डालेंगे जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है, और यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसके बाद ये इस टाइप की एक विंडो खुलेगी, जिसमें आपको ये पूरी डिटेल लिखी रहेगी कि इस पोर्टल पर अपना पंजीयन करें यदि लॉकडाउन में फंसे हैं या कुछ भी है, तो इस टाइप से ये रहेगा। यहाँ पे क्लिक करके अधिकारी वगैरह के नंबर जान सकते हैं हर जिले के, मध्य प्रदेश के, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर ई पास, ई पास के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा,
रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे जर्नी डिटेल वगैरह पूरी दी हुई है। तो इस टाइप से ये जो विंडो है ये इस टाइप से आपकी खुलेगी। तो यहाँ पे जर्नी डिटेल में आपका आ जाएगा सोर्स टाइप ट्रेवलिंग फ्रॉम अदर स्टेट टू मध्य प्रदेश, और यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, यहाँ पे ट्रेवलिंग फ्रॉम यहाँ पे मध्य प्रदेश टू अदर स्टेट आ जाएगा, ठीक है, अदर स्टेट। इस टाइप से और भी विंडो यहाँ से जब आप खोलेंगे तो ये खुल जाएगी। तो इस टाइप से ये पूरा ऐसा रहेगा। फिर यहाँ पे सोर्स स्टेट वगैरह यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सोर्स स्टेट लिखना पड़ेगा, सोर्स डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट डेस्टिनेशन कहाँ से कहाँ तक जाना है, प्लेस टू विजिट, और डिस्क्रिप्शन वगैरह रहेगा यहाँ पे। देखिए ये है जैसे ट्रेवलिंग फ्रॉम अदर स्टेट टू मध्य प्रदेश और ट्रेवलिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश टू अदर स्टेट, इस टाइप से ये यहाँ से आपको भरना होगा। उसके बाद जैसे सपोज मैंने यहाँ पे फिल किया कि ट्रेवलिंग फ्रॉम अदर स्टेट टू मध्य प्रदेश में मुझे आना है, तो अदर स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश यहाँ पे डाला, फिर उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले, झांसी में हूँ सपोज मैं, तो मुझे डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट दतिया मुझे जाना है, और प्लेस टू विजिट कहाँ है मेरा, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डालना पड़ेगा। इस टाइप से आप डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे स्टॉपेज डिटेल, यात्रा के पड़ाव कौन से, आप कहाँ पे मतलब रुकेंगे और कौन कौन से पड़ाव आपको मिलेंगे। फिर एप्लीकेशन डिटेल में आपको फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, फ़ोटो जो रहेगी वो जीपीजी जेपीजी फॉर्मेट में रहेगी ओनली, है ना, और जो 2 MB से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप दिखेंगे आगे, यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी के बाद फ़ोटो आईडी प्रूफ डालेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, अपलोड आईडी प्रूफ, यहाँ पे आईडी प्रूफ अपलोड करनी पड़ेगी आपको अपनी कोई भी एक, वो भी जीपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे, कैटेगरी ऑफ ट्रेवलिंग यात्रा यात्राओं की श्रेणियाँ डालेंगे कि सिलेक्ट कैटेगरी ऑफ ट्रेवलर, तो जो ट्रेवलर है यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आपको बहुत सारी, यहाँ से जब आप खोलेंगे तो स्क्रीन पर बहुत सारे और दिखा देंगे कि कैटेगरी कौन सी है, कि आप मतलब मजदूर हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटों के लिए भी है ये, लेबर लेबर के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए है, और जो यात्री वगैरह फंसे हुए हैं, सपोज कोई यात्री मध्य प्रदेश के किसी राज्य वगैरह में यात्रा करने के लिए आया था, लॉकडाउन में फंस गया, तो उनके लिए भी है, और 3-4 कैटेगरी हैं, इस टाइप से ये कैटेगरी रहेंगी। तो इस पर आप क्लिक करके वो खोल सकते हैं, ठीक है। फिर इन कैटेगरी के बाद आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा को ट्रेवलर डिटेल, अब आपको जो आपके साथ सहयात्रियाँ हैं, मतलब आप किस किस के साथ आए हैं, किस के साथ आपको जाना है, तो उनकी डिटेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपने साथ एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर हो जाएगा। तो ऐड को ट्रेवलर डिटेल भी डालनी पड़ेगी, और यहाँ पे जब डिटेल वगैरह भर जाए तो अपलोड को ट्रेवलर डिटेल अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो रहेगा वो आपका नेम रहेगा जो आपके साथ है, जिसको यात्रा करनी है सपोज, है ना, तो आपके साथ 2 लोग और हैं, 1 लोग और है, तो या आपकी जैसे कोई कंप्लीट फैमिली है आपकी, तो आपके बच्चे हैं, तो वाइफ है, तो उसके नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इस टाइप से एक पूरी ये जो विंडो है ये पूरी यहाँ से डिटेल से यहाँ पे खुल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे एज आ जाएगी, फिर यहाँ पे जेंडर या लिंग आ जाएगा, फिर यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी ऑफ ट्रेवलर आ जाएगा, और यहाँ पे और डालेंगे, फिर यहाँ से अगर डिलीट करना है आपको रो तो डिलीट भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे जो ऐड न्यू रो आ जाएगी, तो इस पे जैसे आपके बच्चे भी हैं तो यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ पे आपने जैसे वाइफ का डाला तो फिर यहाँ एक और विंडो खुल जाएगी, उसमें बच्चे को भी डाल सकते हैं, कि अगर 2 बच्चे हैं आपके, 1 है तो 2-3 लोग हैं आप लोग, तो इस टाइप से ये पूरा यहाँ पे डल जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इस टाइप से डल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आता है, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे जब ये अपलोड वगैरह हो गया तो यहाँ पे ये पूरी घोषणा आती है। तो यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे आपको टिक करना होता है कि जो भी आप घोषणा कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा, राइट टिक। जब यहाँ पे राइट टिक हो जाएगा उसी के बाद आपका ये फॉर्म फिर सबमिट होगा। तो मैं इसमें ये जो लिखा हुआ है ये कि घोषणा करती हूँ कि COVID-19 के प्रसार में रोकथाम हेतु आवश्यक सावधानी रखूँगी, ये सब इस टाइप से जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट का बटन आएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों का ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आप लोग बैक स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आप होम पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही आप इस पर आएंगे तो यहाँ पे देखिए, पहले आप लोगों ने यहाँ पे ई पास के लिए अप्लाई ई पास के लिए करा था, या फिर जो यहाँ पे जो प्रवासी रेजिडेंस का था इस पर क्लिक करा था, तो उसके लिए अब जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो आपको जो अपना डाउनलोड करना है ई पास, तो उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है डाउनलोड ई पास। तो डाउनलोड ई पास पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था वो डालेंगे, तो यहाँ पे जो ई पास है वो डाउनलोड आपका हो जाएगा। इस टाइप से आप इसका जो ये मतलब सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं, और जब आपका ई पास के लिए आपको जो अधिकारी वगैरह हैं, अगर आपको वो पंजीयन उनका मतलब उनने कर लिया, तो आपका अगर वो मतलब कि आपको
जाने की अनुमति देते हैं, आपका ई पास पास हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर एक दो दिन तक, दिन के बाद वो या आपको कॉल करेंगे या फिर आपके जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह है उस पर वो डिटेल आपको सेंड कर देंगे। तो आप लोग फिर यहाँ से डाउनलोड करके वो ई पास फिर उसका प्रिंट आउट भी निकाल के हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी भी, नहीं तो मोबाइल से दिखा सकते हैं लेकिन हार्ड कॉपी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से डाउनलोड करके उसे रखकर फिर आप लोग यात्रा अपनी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका पूरा प्रोसेस इस प्रकार से रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है ई पास वगैरह और ये माइग्रेंट रेजिडेंस वगैरह की, उन लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू।